वेलकम बैक टू एलफी गाइस। वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली अब तक आप लोगों ने अपना सीएसआईआर जून 2024 का रिजल्ट देख लिया होगा और अब आपको पता चल चुका होगा कि आपका रिजल्ट कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थर्ड किस कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है। और अगर आपका कैटेगरी वन में है तो आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कि आप JRF क्वालिफाई किए हैं इस बार। और अगर आपका कैटेगरी टू और कैटेगरी थर्ड में है तो भी आपको कंग्रेचुलेशन बिकॉज आपके पास एटलीस्ट नेट हो गया है और कैटेगरी थर्ड वाले जो कि PhD में एनरोल्ड होने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। सो सेकेंड और थर्ड वाले कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने आप को ज़्यादा निराश ना करें बिकॉज सेकेंड वाले कैटेगरी के लोग जो कैंडिडेट्स हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं एंड थर्ड वाले जो हैं वो बेसिकली PhD में एनरोल ले सकते हैं, मीन्स एडमिशन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अभी आपका जो स्कोर कार्ड है जो कि पहले आपको 12 तारीख को रिलीज हुआ था इससे पहले दैट इज सितंबर में, और अब जो आपका CSIR का फाइनल रिजल्ट जो पब्लिश हुआ है अपडेट हुआ कि नहीं हुआ और कब तक आपका होगा अपडेट, करके कैसे आप जानेंगे कि अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है इसको लेकर के बात करेंगे। एज वेल एज आपके लिए जो PhD में एडमिशन्स का अनाउंसमेंट हो रहा है, जगह जगह पे जो फॉर्म आ रहे हैं उनको लेकर के भी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि आपका स्कोर कार्ड कैसे आपको पता चलेगा कि अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। सिंपली आपको क्या करना है कि आपको NTA CSIR की वेबसाइट पर जाना है और क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन यहाँ पर दिखाई देगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं और या तो फिर उसका डायरेक्टली होम पेज पे भी जाके कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा होगा इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। हालांकि अभी ये साइट बहुत ही मतलब डिस्टर्ब चल रही है, शायद मेरे ख्याल से डेटा अपलोड किया जा रहा होगा इस वजह से इस पर भी चीज़ें अच्छे से एक्सेस नहीं हो पा रही हैं। ये खुल जाएगा, बाकी आपको डिटेल्स आपको अपना यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद आप इसको इंटर करेंगे तो आपको इस तरीके का PDF आपका स्कोर कार्ड जनरेट होकर के आ जाएगा और जिसपे आपकी पूरी डिटेल लिखी रही होगी। ये स्कोर कार्ड अभी अपडेट नहीं हुआ है इसलिए आपको यहाँ पे दो जो कॉलम है वो खाली है, दैट इज़ रिजल्ट और रैंक। रैंक में आपके जो भी PDF CSIR ने रिलीज़ किया हुआ था वही वाली रैंक आपका यहाँ पर दिखेगा, एज वेल एज रिजल्ट में आपको लिखा होगा कि क्वालिफाइड फॉर द JRF, क्वालिफाइड फॉर द LS और क्वालिफाइड फॉर द PhD ओनली। इस तरीके से आपको यहाँ पे रिजल्ट पे क्या होगा रिमार्क लिखा रहेगा। ये डेट आपको दिखा रहा है कि ये डेट आपका सेप्टेम्बर का है, दैट मीन्स 12 तारीख को ये रिलीज हुआ था। अपडेट जल्दी ही हो जाएगा चूंकि डेटा बहुत ज़्यादा है और सारी चीज़ें सही तरीके से हों इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा और अभी इस साइट पे सही तरीके से ओपन नहीं हो पा रहा है। इससे समझ में आ रहा है कि हम उनका काम बैकग्राउंड में चल रहा होगा तो आपको डेली बेसिस पे दिन में एक बार आप लॉगिन करके देख सकते हैं। ये डेट अगर आपका अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखेंगी, रिजल्ट में आपको लिखा रहेगा क्वालिफाइड फॉर द JRF और LS और PhD ओनली, और रैंक तो आपको मालूम है ही, रैंक आपके उस PDF में जो था यही आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। ये जो स्कोर कार्ड होगा इस स्कोर कार्ड को लेकर के आप आगे का काम कर सकते हैं जब तक कि आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है। इन बिटवीन मीनवाइल तब तक आप ये काम कर सकते हैं कि जहाँ कहीं पे भी फॉर्म आ रहे हैं PhD वाले उन फॉर्म को लेकर के आप अपने आप को अलर्ट रहिए अगर आपको PhD में एडमिशन लेना है तो। तो बेसिकली अगर आप इस JRF और नेट या LS का या फिर कैटेगरी थर्ड के सर्टिफिकेट का यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए जो कैटेगरी वन वाले हैं उनके पास तो अपॉर्चुनिटी है ही कि वो क्या कर सकते हैं, आपको अच्छे तरीके से बताया भी हूँ। कैटेगरी थर्ड वाले भी क्या कर सकते हैं, सेकंड वाले भी, इनके पास JRF भी है, इनके पास LS भी है और इनके पास असिस्टेंट प्रोफेसर को अप्लाई करने के लिए भी है AP के लिए। इनके पास सिर्फ और सिर्फ LS है और ये AP के लिए अप्लाई कर सकते हैं और PhD में तो एडमिशन इनको मिलेगा ही, इनको भी मिलेगा। और इनके पास ना तो LS है ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर को अप्लाई करने के लिए है, सिर्फ ये PhD में एडमिशन ले सकते हैं। तो कैटेगरी थर्ड वाले जो कैंडिडेट है और सेकंड वाले जो कैंडिडेट है वो थोड़ा सा समझने की आपको कोशिश करना पड़ेगा। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे कि जब PhD का फॉर्म आता है तो वहाँ पे इंट्रेंस एग्ज़ाम कराए जाते हैं और इंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे बेसिकली क्या होता है कि मतलब कि आपकी मेरिट बनती है, राइट। तो जो लोग JRF की कैटेगरी में होते हैं, मीन्स कैटेगरी वन वाले में जो होते हैं, उनको उस एग्ज़ाम से एग्जेम्प्टेड कर दिया जाता है, मतलब उनको एग्ज़ाम नहीं देना होगा। PhD में एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको पहले आपको यहाँ पे समझना होगा कि कितने स्टेप्स में होता है। मैक्सिमम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और जो भी आपके यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो दो पार्ट में कराती हैं। पहले एक RET का एग्ज़ाम लेती हैं जिसे आप बोलते हैं रिसर्च इंटरेस्ट टेस्ट, और दूसरा आपका क्या होता है दैट इज़ इंटरव्यू होता है। ये टेस्ट में ये आपका एक टेस्ट है, जिनके पास नेट का सर्टिफिकेट नहीं था, ये पहले का प्रोविजन था बट अभी थोड़ा सा चेंजेज हुआ है। जिनके पास नेट का सर्टिफिकेट नहीं होता था तो वो यूनिवर्सिटी का ये नेट का एग्ज़ाम देते थे। क्वालिफाई होने के बाद उनको क्या होना था,
दैट मीन्स इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और इस इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के बाद अगर आप फाइनल होते हैं तब जाकर के आपका पीएचडी का मेरिट लिस्ट बनती है। अगर आपका उसमें नाम होगा तो फिर आप एडमिशन ले पाएंगे। कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थर्ड वालों को कहाँ बेनिफिट मिलेगा इसको आपको समझना होगा। जिनके पास जेआरएफ है उन्हें ये वाला एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, मतलब दैट मीन्स कि वो इस एग्ज़ाम से क्या होते हैं, एग्जेम्प्टेड होते हैं। डायरेक्टली वो कहाँ पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन सबको करना पड़ेगा किसी भी कैटेगरी में आप क्या आप हैं। दैट मीन्स आपको सपोज़ फॉर एग्जाम्पल अगर बीएचयू का एडमिशन का फॉर्म आया हुआ है पीएचडी के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो जेआरएफ वाले कैंडिडेट होंगे उनको ये एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्टली वो कहाँ पे जाएंगे, दैट इज़ द इंटरव्यू के लिए जाएंगे। मीन्स उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, आपको लेटर या मेल किया जाएगा कि आपका इंटरव्यू स्लॉट इस तरीके से इस दिन में है, आप इंटरव्यू में जाएंगे, फिर इसके बाद आपका फाइनल होगा। जो कैटेगरी सेकेंड और कैटेगरी थर्ड वाले हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलता है, बट सारी जगह पर नहीं है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, कैटेगरी सेकेंड मीन्स एलएस वाले जो हैं और इसका पीएचडी ओनली वाले जो हैं, इनको भी क्या करना पड़ता है, ये एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये सभी जगह पे नहीं है, कुछ कुछ जगह पे है। तो आप अगर जिस यूनिवर्सिटी का या जिस रिसर्च सेंटर का फॉर्म पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आप पहले देख लीजिए कि नेट और पीएचडी ओनली मीन्स कैटेगरी सेकंड कैटेगरी थर्ड वालों के लिए क्या प्रोविज़न है, क्या वो रिट एग्जाम एग्जेम्प्टेड हैं या फिर उनको भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो फिर आप एग्ज़ाम पहले क्वालिफाई करेंगे, देने के बाद ये होगा। लेकिन अभी जो सिस्टम आया हुआ है वो ये कि कैटेगरी सेकेंड और कैटेगरी थर्ड में जो भी आपके स्कोर हैं उस स्कोर का 70% वेटेज लिया जाएगा। कहाँ पे, आपके इस पीएचडी एडमिशन के लिए आप फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद जो इंटरव्यू होगा उसका क्या होगा, 30% वेटेज दिया जाएगा। और इन दोनों को मिला करके आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगी। और अगर आप मेरिट में आते हैं तो फिर आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। तो अभी मैक्सिमम जगह पे, मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर्स में आपको जो जिनके पास कैटेगरी सेकेंड और कैटेगरी थर्ड का सर्टिफिकेट है वो लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उनको ये फॉर्म एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। रीट वाला जो भी रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम कराती है यूनिवर्सिटी या इंट्रेस्ट रिसर्च सेंटर, वो एग्ज़ाम्स आपको नहीं देना पड़ेगा। आपका डायरेक्टली इंटरव्यू के सेशन में जाकर के आपकी इंटरव्यू होगी, दैट मीन्स आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और वहाँ पे इंटरव्यू में जो आपका मेरिट बनेगा वो आपके इस स्कोर पे जितना भी आप मार्क्स पाए हुए, जितना भी आपका परसेंटाइल है उसका 70% काउंट यहाँ पे रखा जाएगा। 30% आपका क्या होगा, इंटरव्यू जो आप देंगे उसमें वेटेज मिलेगा। उन दोनों को मिला करके आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। तो जिनके पास कैटेगरी थर्ड और कैटेगरी सेकेंड है वो अपने आप को अब प्रिपेयर रखें सही तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए और पीएचडी जहां का फॉर्म निकल रहा है वहां के लिए। जिनके पास जेआरएफ है उनको जेआरएफ वालों के लिए ये वाला प्रोविज़न नहीं होगा, उनको डायरेक्टली क्या होगा, इंटरव्यू में बुलाया जाएगा और इंटरव्यू लेकर के उनका जो भी जिस तरीके का इंटरव्यू जाएगा उसके बेसिस पर उनकी क्या होगी, मेरिट बनेगी। तो आपको अब अपने स्कोर कार्ड को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी आप कहीं पर अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि आप क्वालिफाइड हैं और आपका रोल नंबर क्या है और आपके रैंक क्या है। स्कोर कार्ड आ जाने पे आपको सिर्फ यही एक रिटर्न फॉर्म में लिखा रहेगा कि क्वालिफाइड फॉर द एलएस और क्वालिफाइड फॉर द पीएचडी ओनली या फिर जेआरएफ, इस तरीके से रहेगा। तो आप वो रिजल्ट भी दिखाएंगे और रिजल्ट जो आपका रैंक है वो भी वैलिड होगा कहीं पे भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो। और वैसे भी अभी आप सिर्फ फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के कम से कम एक से डेढ़ महीने के बाद या दो महीने के बाद ही आपको ये एग्ज़ाम्स का या फिर इंटरव्यू का डेट जो है वो अनाउंस होगा। तब तक बहुत ही आसानी से CNTA और CSIR की वेबसाइट पर ये स्कोर कार्ड ईजिली क्या होगा, अपडेट हो चुका होगा। तो अभी अपडेट होने में टाइम लगेगा, आप उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। आप आगे के लिए, दैट मीन्स अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो जहाँ कहीं का भी आपको करने का मन है, जहाँ कहीं से मतलब ये है कि आपको आपका एक टॉपिक होगा और हर टॉपिक पे हर जगह पे रिसर्च नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के हैं और आप रिसर्च करना चाहते हैं किसी एग्रीकल्चर वाले कॉन्सेप्ट पे, राइट, मान लीजिए आजकल बायो फर्टिलाइज़र कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चला हुआ है, तो बायो फर्टिलाइज़र पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको पहले सर्च करना होगा कि बायो फर्टिलाइज़र के टॉपिक पे कौन कौन से यूनिवर्सिटी या कौन कौन से रिसर्च सेंटर हैं जहाँ पे काम होता है। बायो फर्टिलाइज़र का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स होंगे, बेंस बैक्टीरिया होगा और या फिर फंगस होंगे जो कि एज अ फर्टिलाइज़र का काम करते होंगे, लाइक एज उनके पास नाइट्रोजन का सोर्स होगा, उनके पास फॉस्फेट का सोर्स होगा, उनके पास पोटेशियम का सोर्स होगा। दैट मीन्स उनके पास कुछ ऐसा चीज़ मैकेनिज्म होगा जिससे कि वो
सॉयल में नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, फॉस्फेट की अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, पोटेशियम की अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ऐसे माइक्रोब्स को आप बायो फर्टिलाइजर के रूप में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नाउ डेज ये टॉपिक बड़ा ही बूम कर रहा है बिकॉज केमिकल फर्टिलाइजर का बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है सॉयल पे एज वेल एज ह्यूमन हेल्थ पे। तो बायो फर्टिलाइजर पर काम बहुत आसानी से हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आपको सपोज बायो फर्टिलाइजर पर PhD करनी है तो बायो फर्टिलाइजर पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है और कौन कौन से रिसर्च सेंटर हैं जो कि काम कर रहे हैं बायो फर्टिलाइजर पे, आपको ही पहले क्या करना होगा, सर्च करना पड़ेगा। जब आप यूनिवर्सिटी को और इसके बाद आप रिसर्च सेंटर को सर्च कर लेते हैं, मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर आपको मिल जाता है, तो आप इस रिसर्च सेंटर या यूनिवर्सिटी में कौन से प्रोफेसर हैं या कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को क्या करते हैं आप सर्च करते हैं। डिपार्टमेंट भी मिल जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, कोई प्रोफेसर है उन प्रोफेसर के बारे में जानेंगे कि उनकी प्रोफाइल क्या है, किस चीज़ पे वो काम करते हैं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टॉपिक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस टॉपिक पे PhD करना चाहते हैं। देन उस टॉपिक पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन कौन सा रिसर्च सेंटर काम करा रही है, आपको ये सर्च करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी अगर आप फाइंड कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, बायो फर्टिलाइजर मान लीजिए टॉपिक हो गया, यूनिवर्सिटी आपने BHU फाइंड कर लिया। अब आपको BHU में डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं तो डिपार्टमेंट के बारे में पता करना होगा। मान लीजिए यहाँ का एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर कोई काम कर रहा है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कोई मान लीजिए प्रोफेसर कोई एक एक्स हैं जो कि इस चीज़ पर काम कराते हैं, आप इन एक्स प्रोफेसर का क्या करेंगे, प्रोफाइल निकालेंगे और इनको अच्छे से स्टडी करेंगे कि इनके अब तक के जो रिसर्च है वो क्या किस चीज़ पे है, उनके पेपर आपको मिल जाएंगे। आजकल प्रोफाइल को देखने के लिए ढेर सारे साइट्स हैं, लाइक एज आपको इनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाकर चेक करना चाहिए, इनका रिसर्च गेट वाला जो प्रोफाइल होगा वो जाकर के आपको चेक करना चाहिए, राइट। इनका गूगल स्कॉलर जो होगा वो आपको चेक कर सकते हैं। तो ये सारे जो वेबसाइट्स होंगे इस पे इनकी पूरी की पूरी रिसर्च की प्रोफाइलिंग आपको मिल जाएगी कि कितना काम, कितने पेपर इन्होंने किए हैं, कितने लोग वहाँ पर PhD कर रहे हैं, वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। आप चाहें तो उनके रिसर्च स्कॉलर का कॉन्टैक्ट नंबर लेकर के उनसे बात कर सकते हैं कि सर या भैया या दीदी हम PhD करना चाहते हैं तो हमें कुछ गाइडेंस चाहिए, आप उनसे ले सकते हैं, वो आपको अच्छे तरीके से बता पाएंगे। तो ये काम करने में आपको टाइम लगेगा और जब तक आप फॉर्म फिल करेंगे ये सारा चीज़ करेंगे तब तक आपका स्कोर कार्ड अपडेट बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आपको कहना सिर्फ यही चाह रहा हूँ, स्कोर कार्ड के अपडेट को लेकर के आप परेशान मत होइए, आप अपने आगे के प्रोसेस में क्या कीजिए, अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए और टॉपिक को डिसाइड कीजिए, यूनिवर्सिटी को सर्च कीजिए और डिपार्टमेंट देखिए, फिर प्रोफेसर देखिए, उनको आप मेल कीजिए और कई सारे जगह पे आपको करना पड़ेगा। लाइक एज अभी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से जगह पे PhD के फॉर्म आए हुए हैं, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी CSIR की लेबोरेटरी होती है उन लेबोरेटरीज मैक्सिमम सिर्फ JRF वालों को क्या करते हैं, वो लोग अलाउड करते हैं, आपको नेट वालों को अलाउड नहीं करते मोस्ट ऑफ दी। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे नेट वाले भी जा सकते हैं, PhD थर्ड कंडीशन वाले भी जा सकते हैं कैटेगरी वाले, और JRF वाले भी जा सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए दोनों के ही अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं कि आपको यूनिवर्सिटीज से करने पे क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको रिसर्च सेंटर्स करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, दोनों में बेहतर कौन है, दोनों का क्या डिसएडवांटेज है, ये सब कुछ अपने आप में टॉपिक है। अगर आपको लगता है कि आपको PhD के टॉपिक को लेकर के कि कैसे आप टॉपिक डिसाइड करें, कैसे आप यूनिवर्सिटी को फाइंड करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से PhD करें या फिर रिसर्च सेंटर से PhD करें, अगर इन टॉपिक पे आपको ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन की तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, आपको उसके रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन होगी एक वीडियो में मैं बना करके आपको दे दूंगा। सो अल्टीमेटली आपको लास्ट में सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने PhD की, अगर आप PhD करना चाहते हैं तो PhD के प्रोसेस में आप इन्वॉल्व होइए, स्कोर कार्ड को लेकर के परेशान और टाइम वेस्ट मत कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।